हमारे देशवासी साथियों, आज हमारा 75वां गणतंत्र दिन है। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और खुशी का दिन है। आज ही के दिन भारत के संविधान के माध्यम से हमें जो अधिकार मिले थे उसको लागू किया गया। स्पेशली हमें जो मतदान का अधिकार दिया गया है भारत के संविधान में, उसके तहत पिछले 75 साल में हमने इस देश के राष्ट्रपति को और इस देश की सरकारों को समयबद्ध तरीके से चुना है, और इसलिए हमारे लिए इसलिए भी खुशी का दिन है। ये जो अधिकार हमें दिए गए, भारत का संविधान लागू होने के पहले हमें ये अधिकार नहीं थे, और इसलिए इस दिन को हमने एक फेस्टिवल के तौर पर मनाना चाहिए। हमें जो अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकारों का पिछले 75 साल में काफी मात्रा में हनन हुआ है। इस देश में अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट देखते हैं, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आज भी आए दिन हमारी देश की महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जो हमारे मुस्लिम भाई है, उनके मकानों को ढहाया जा रहा है, जमीन दोस्त किया जा रहा है, जबकि कोई भी गुनाह उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ है। कोई भी कानूनी प्रक्रिया के बिना हमारे जो मुस्लिम भाई है, उनकी बस्तियों को जमीन दोस्त किया जा रहा है। तो इसलिए जो अधिकार है, उस अधिकार का पूर्ण रूप से हनन हुआ है। हमारे अधिकारों को धूल में मिला दिया गया है। आप ये देखेंगे कि भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पब्लिक सेक्टर का, सार्वजनिक क्षेत्र का जानबूझकर निर्माण किया था, ताकि इस देश के गोर गरीबों के बच्चों को, इस देश के हर नागरिक के बच्चों को, मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों को सरकारी नौकरियों में और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां मिले। लेकिन आप देखेंगे कि पूरा सार्वजनिक क्षेत्र ये जो है कॉरपोरेट हाउसेस को बेच दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को सरकारी नौकरियों से या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। हाल ही में पिछले 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्रतिष्ठापना की गई है, और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि 22 जनवरी ये सिर्फ कैलेंडर के ऊपर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। क्या है ये नए युग का मतलब? नया युग का मतलब मोदी जी के अनुसार ये है
कि इस देश में राम राज की शुरुआत कर दी गई। नए युग का मतलब ये भी है कि इस देश को हिंदू राज निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि भारत के संविधान में जो गणराज्य का निर्माण किया गया, जो प्रजासत्ता का निर्माण किया गया, जिसमें इस देश के हर नागरिक को अधिकार दिए गए हैं, बुनियादी अधिकार दिए गए हैं, और ये गणराज्य का उन्होंने पूर्ण रूप से मतलब कानूनी तौर पर तो नहीं लेकिन धार्मिक दृष्टि से मतलब इस देश के गणराज्य को पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया है। ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए मूल निवासी बहुजन समाज के लिए एक भयावह स्थिति इस देश में निर्माण की गई। इस स्थिति को निपटना होगा। जहां तक वो हिंदू राज की बात कर रहे हैं, राम राज की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने कहा है कि हिंदू राज ये हमारे देश पर बहुत बड़ा संकट होगा। और इसलिए उन्होंने आगे कहा कि अपनी पूरी ताकत लगाकर इसका मूल निवासी बहुजन समाज ने और इस देश के हर नागरिकों ने विरोध करना चाहिए। स्पेशली जिनके अधिकार बाबा साहब ने भारत के संविधान में सुरक्षित किए। इसलिए मेरी इस अवसर पर अपने देशवासियों को यही संदेश है कि उन्होंने आने वाले जो लोकसभा के इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं, उसमें अपनी पूरी ताकत लगा के उनको जो मतदान का अधिकार मिला है उसका पूरा सही सही इस्तेमाल करके बीजेपी की सरकार को किसी भी हालत में इस देश की सत्ता से दूर रखना चाहिए। यही मेरा अपने समाज को, मूल निवासी बहुजन समाज को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और जो अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनके लिए आज के ये शुभ अवसर पर मेरा संदेश है। इस अवसर पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले 17 और 18 फरवरी को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का रेवाड़ी में दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है। सभी साथियों को, हमारे देश के मूल निवासियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 17-18 फरवरी 2024 को रेवाड़ी में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का जो दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें शरीक हो। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। M&T न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।